आज हमने एकदम सिंपल तरीके से टेस्टी आलू पुलाव बनाया है। ये बहुत ही झट से बन जाता है और एकदम टेस्टी बनता है। इसे हम मिर्ची के सालन के साथ, दही के कड़ी के साथ या कोई भी ग्रेवी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम टेस्टी और झट से बन जाए ऐसा आलू पुलाव। कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल डाल दिया है, एक टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। तेल और घी गर्म हो रहा है तभी हम खड़ा मसाला डाल देते हैं। दो तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची जिसे मैंने ऊपर से खोल लिया है, तीन छोटी इलायची इसे भी मैंने ऊपर से खोल लिया है, दो स्टिक दालचीनी, तीन लौंग। खड़ा मसाला धीमी आंच पे थोड़ा भून लेते हैं। आधी टीस्पून जीरा, जीरा को भी लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। जीरा थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है, आधी टीस्पून शाही जीरा। शाही जीरा को लाइटली भूनेंगे, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। एक मीडियम साइज का प्याज की स्लाइस की है, मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे लाइटली भून लेते हैं। प्याज को एकदम लाइटली भून लिया है, उसका पानी सूख गया है। 7 से 8 काजू का 1 का 2 पीस किया है, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, मिक्स कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट को भून लेते हैं। मिर्ची को मैंने इस तरह से बीच में से एक कट लगाया है। 4 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के आलू की लंबी स्लाइस की है, 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे आलू को थोड़ा कुक कर लेते हैं। 2 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसकी मैंने इस तरह से स्लाइस करके ली है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टीस्पून नमक लिया है या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मिक्स कर लेते हैं। 10 से 15 पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं। पुदीने के पत्ते डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 कप बासमती चावल, ये 200 ग्राम चावल है जिसे मैंने 4 से 5 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। जब तक कि उसका वाइट पानी निकल जाए तब तक हमें इसे धोना है, इस तरह से क्लीन पानी दिखे तब तक इसे धोना है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे भिगो के रखा था, अभी ये पानी में निकाल लेती हूँ। चावल डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। एक टेबलस्पून हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। 1 कप बासमती चावल हमने लिया था तो 2 कप पानी डाल देंगे, चला लेंगे। 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। चावल में एक बॉईल आ गया है, ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट कुक किया है, थोड़ा सा चला लेंगे हल्के हाथ से। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे कुक करेंगे। 5 मिनट इसे धीमी आंच पे कुक किया है, पानी पूरा सूख गया है, चावल भी कुक हो गया है, पुलाव की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ढक्कन लगा के इसे रखेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। 4 से 5 मिनट इसे ढक्कन लगा के रेस्ट देंगे। गैस बंद करने के बाद 5 मिनट पुलाव को रेस्ट दिया है, अभी हम इसे सर्व कर सकते हैं। इस तरह से फोक से थोड़ा चला लेंगे। आलू पुलाव रेडी है।
एकदम सिंपल तरीके से बन जाए ऐसा आलू पुलाव रेडी है। मैंने इसे मिर्ची के सालन के साथ में सर्व किया है। मिर्ची के सालन की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। पुलाव बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।